हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएसएट प्रिपरेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के नेक्स्ट लेक्चर को। आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विच इज कम्युनिकेशन स्किल्स, वो कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट हम इसके कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। और एमसीक्यूज आपके लिए इसलिए है क्योंकि अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी से कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं एग्जाम में, जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक में से कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। तो उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे सेकेंड टॉपिक है उसको स्टार्ट किया जाएगा विच इज टीचिंग एड्स। तो आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट हम इसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट जो सेकेंड टॉपिक है वो स्टार्ट किया जाएगा। आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और कल आपके लिए जो एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारा जो लास्ट पॉइंट रह गया था कम्युनिकेशन स्किल्स का विच इज प्रैक्टिस स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद जो हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने अभी तक कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या किया, मतलब ऑल ओवर रिविजन करेंगे एक तरीके से। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सबको पता है कि रिविजन से ही हमारा जो मेमोरी पावर है वो स्ट्रांग हो जाता है। क्लियर? तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रैक्टिस स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आफ्टर दैट हम रिवाइज करेंगे कि हमने अभी तक जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को क्लियर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से विच इज प्रैक्टिस स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रैक्टिस स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, करेक्टर स्किचेज ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन की जो करेक्टर स्किचेज हैं उसमें से सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ये टू वे होती है, मतलब एक इसमें सेंडर होता है और सेकेंड इसमें रिसीवर होता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये टू वे प्रोसेस होता है, मतलब टू वे प्रोसेस, मतलब इसमें जो कम्युनिकेशन है वो दो पर्सन के बीच में होती है। फर्स्ट वन इज सेंडर एंड सेकेंड वन इज रिसीवर। क्लियर? फर्स्ट वन इज सेंडर एंड सेकेंड वन इज रिसीवर। सेंडर क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करता है किसको, रिसीवर को। और रिसीवर क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन के बदले में सेंडर को क्या देता है, फीडबैक देता है। और ये दोनों आपस में किसके साथ जुड़े हुए होते हैं, चैनल के साथ जुड़े हुए होते हैं। क्लियर? तो ये सब बातें हम कर चुके हैं पहले ब्लॉक डायग्राम में। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें अब सेकंड पॉइंट, ये डायनामिक होती है। डायनामिक होती है मतलब इसमें जो चेंजेस हैं वो आते रहते हैं। क्लियर? हम इसको कह सकते हैं कि ये एक्सटेंडेबल होती है। मॉडिफाइएबल होती है। एक्सटेंडेबल होती है, मॉडिफाइएबल होती है, कहने का मतलब ये है, मॉडिफाइएबल मतलब ये परिवर्तनशील होती है। एक्सटेंडेबल मतलब इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, मतलब इसको बढ़ा चढ़ा के इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो डायनामिक होती है, स्टैटिक नहीं होती। क्लियर? आई होप आपको स्टैटिक और डायनामिक में तो क्लियर होगा डिफरेंस। जो डायनामिक होता है उसको हम परिवर्तनशील भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड वन, ये गोल ओरिएंटेड होती है। गोल ओरिएंटेड मतलब जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन हम किसी ना किसी गोल के लिए करते हैं, कोई ना कोई गोल अचीव करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो बिजनेसमैन आपस में बात कर रहे हैं तो उनका गोल है प्रॉफिट कमाना। क्लियर? तो वो अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब जो कम्युनिकेशन होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। क्लियर? तो मतलब कहने का क्या है, जो कम्युनिकेशन होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है और वो क्या होती है, गोल अचीव करने के लिए होती है। इसे हम क्यों करते हैं, हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, गोल को अचीव करने के लिए। जैसे इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं बिजनेसमैन से, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर दो बिजनेसमैन बात कर रहे हैं, राइट, तो
तो नेक्स्ट इसको अगर हम कहें, नेक्स्ट वन इज ऑलवेज सिस्टमैटिक, जो कम्युनिकेशन होती है वो हमेशा ऑलवेज सिस्टमैटिक, मतलब हमेशा सिस्टमैटिक वे में चलती है, सिस्टमैटिकली होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप चलती है, स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू आगे बढ़ती है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, हम वकैब सीखते हैं, वकैब सीखने के बाद हम ग्रामर सीखते हैं, ग्रामर सीखने के बाद हम क्या करते हैं, फोनेटिक मतलब उसको जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सीखते हैं। तो ऐसे हम सिस्टमेटिक वे में एक लैंग्वेज को अचीव करते हैं, सॉरी अचीव नहीं, उसको सीखते हैं। क्लियर? तो इसे हम कह सकते हैं कि ऑलवेज सिस्टमेटिक होती है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे से ही इसको सीखा जा सकता है। क्लियर? तो ये कुछ करेक्टर स्केचेस थी कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन अगर हम बात करें तो हमने जो अभी तक पढ़ा कम्युनिकेशन में, अब हम उस सभी की चीजों को रिवाइज करते हैं। तो आज हमने देखा कि करेक्टर स्केचेस ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सी है। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स में कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, हमने देखा था कि जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें दो पर्सन एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, अपने व्यूज को शेयर करते हैं, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको अभी अभी हमने पढ़ा कि टू वे प्रोसेस होता है, जिसमें दो पर्सन बातचीत करते हैं और इंफॉर्मेशन, व्यूज, इमोशंस, इन सब चीजों को शेयर किया जाता है। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले तो था सेंडर, सेंडर और रिसीवर, ये दोनों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंडर और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर ये दोनों आपस में किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, चैनल के साथ। ये दोनों आपस में किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, चैनल के साथ कनेक्टेड होते हैं। और ये जो सेंडर है वो अपनी इंफॉर्मेशन रिसीवर को सेंड करता है, किसके माध्यम से करता है, चैनल के माध्यम से। चलिए पूरा ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, उससे हमें ज्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले तो हमने सेंडर किया था, तो सेंडर क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन देता है, सबसे जो भी वो इंफॉर्मेशन सेंड करता है तो पहले वो क्या होती है, एनकोडर के पास जाती है। एनकोडर क्या करता है, इंफॉर्मेशन की टाइप चेंज कर देता है, वो इंफॉर्मेशन की टाइप ए से बी में कन्वर्ट कर देता है। एनकोडर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को चैनल के पास सेंड कर देता है। तो चैनल में हो सकता है कुछ अनवांटेड सिग्नल्स हो, सकता है कुछ नॉइज हो, जिससे जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके बाद चैनल क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करता है डिकोडर के पास। तो डिकोडर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन की जो टाइप बी से ए से बी थी वो उसको दोबारा चेंज कर देगा बी टू ए, और फिर जो डिकोडर है वो जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास सेंड करता है, रिसीवर के पास। क्लियर? रिसीवर के पास जब वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो वो रिसेंडर को क्या देता है, फीडबैक देता है। इस तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो की जाती है। क्लियर? ये सब हम पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में, आज हम ओनली रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, उसके बाद हमने देखा था कि नॉइज और डिस्टोरेशन, डिस्टोरेशन इन दोनों में क्या फर्क होता है। देखिए, एक तो हमने पढ़ा था कि ये दोनों ही अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, मतलब दोनों ही वो सिग्नल्स होते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन में ना हो, क्योंकि अगर ये सिग्नल्स हमारे कम्युनिकेशन में ऐड हो जाएंगे तो वो हमारे कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल नहीं, मतलब अच्छे से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। जो नॉइज है वो एक्सटर्नल होती है, मतलब वो बाहर से ऐड होती है, और जो डेस्टोरेशन है वो अंदर से ऐड होती है, इंटरनल हम इसको कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक मोबाइल फोन की एग्जांपल दी थी, क्लास की एग्जांपल दी थी। क्लियर? तो नॉइज और डिस्टोरेशन दोनों में हमें फर्क क्या था। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था कि
कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन इन दोनों में क्या फर्क है? कम्युनिकेशन होता है संचार करना, बातें करना। टेली कम्युनिकेशन होता है दूर दूर से संचार करना, मतलब दो पर्सन बहुत ज्यादा दूर है और वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? टेली कम्युनिकेशन कहलाएगी। जैसे टेलीफोन होता है, टेलीविजन होता है। टेलीविजन पे हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत दूर की जो पूरे देश भर की दूर दूर की जो खबरें हैं वो हमें घर बैठे देखने को मिलती हैं। और टेलीफोन पे अगर हम एक जगह पे हैं और हमारे जो फ्रेंड है, जो रिलेटिव है, वो बहुत दूर बैठे हैं हमसे, फिर भी हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, तो वो क्या है? टेली कम्युनिकेशन है। क्लियर? आफ्टर दैट हमने कम्युनिकेशन की टाइप्स की थी। सबसे पहले हमने किस चीज की टाइप की थी? कम्युनिकेशन के वर्बल की। वर्बल में हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन की जो पहली टाइप होती है वो होती है ओरल, और जो दूसरी टाइप होती है वो होती है रिटन। ये दो टाइप्स हमने पढ़ी थी। ओरल में हमने देखा था कि ये फास्ट होती है। ओरल का मतलब क्या था? जब हम बोल के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हमें किसी भी चीज की, मतलब दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, उन्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो बोल के बात कर रहे हैं तो वो ओरल है। अगर वो लिख के बात कर रहे हैं तो वो क्या है? रिटन है। जो ओरल होती है वो फास्ट होती है, जो रिटन होती है वो फास्ट नहीं होती, वो स्लो होती है, हम सबको पता है। और हमने पढ़ा था कि जो ओरल है वो चीप होती है, और भी बहुत इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की थी। क्लियर? आफ्टर दैट अगर हम देखें कि कम्युनिकेशन कि हमने दो टाइप्स और की थी, वो कौन सी थी? फर्स्ट वन इज फॉर्मल, उसके बाद हमने पढ़ा था इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल, हम इनफॉर्मल में हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मल वो कम्युनिकेशन जिसमें हम अच्छे से रूल्स और रेगुलेशंस को यूज करते हैं। क्लियर? और इनफॉर्मल कौन सी कम्युनिकेशन होती है? जैसे हम हमारे फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन कौन सी होती है? इनफॉर्मल होती है। आफ्टर दैट हमने कम्युनिकेशन की टाइप्स जो पढ़ी थी उसमें कौन कौन से इंक्लूडेड है? इंटर एंड सेकेंड वन इज इंट्रा। इंटर में हमने पढ़ा था कि जो कम्युनिकेशन होती है वो जब दो पर्सन आपस में बात करते हैं तो वो इंटर कम्युनिकेशन होती है। और इंट्रा में हमने क्या पढ़ा था कि जो कम्युनिकेशन होती है जब एक पर्सन अपने आप से बात करता है तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है? इंट्रा। आफ्टर दैट हमने कम्युनिकेशन के थ्री टाइप्स को कंप्लीट किया था, विच इज सिंप्लेक्स, सेकेंड वन इज हाफ डुप्लेक्स, एंड द लास्ट वन इज फुल डुप्लेक्स। अब सिंप्लेक्स कौन सी है? जिसमें एक पर्सन इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है, मतलब ए बी को इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है बट बी ए को फीडबैक नहीं दे पाता। जैसे न्यूज़पेपर्स, टीवी, मैगजीन्स। क्लियर? ये सब चीजें, इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, पर हम जैसे कोई स्पीच अगर जैसे दे रहा है, हमने कोई न्यूज न्यूज़पेपर में पढ़ी है, हमें तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट हमें उसको फीडबैक में चेंज करके, मतलब जो जिन्होंने हमें तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है उनको हम वापस फीडबैक नहीं दे पाते। हाफ डुप्लेक्स की अगर हम बात करें तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? ए बी को जब इंफॉर्मेशन देता है तो बी ए को फीडबैक दे सकता है बट उसमें बहुत टाइम लगता है, स्लो टाइम में देता है, मतलब सेम टाइम पे उसको जो फीडबैक है वो नहीं मिल पाती। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने पढ़ा था वॉकी टॉकी। क्लियर? फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? बिल्कुल सेम टाइम पे ए बी को इन्फॉर्मेशन देता है और उसी टाइम पे बी ए को क्या दे देता है? फीडबैक। जैसे चैटिंग, इंटरनेट, टेलीफोन पे अगर हम बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं, सामने खड़े होकर दो पर्सन बात कर रहे हैं, तो दैट इज एग्जाम्पल्स ऑफ फुल डुप्लेक्स। क्लियर? और हमने इसमें पढ़ा था टॉप डाउन कम्युनिकेशन की और दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज टॉप डाउन, सेकेंड वन, सॉरी थ्री टाइप्स होती हैं, थर्ड सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द लास्ट वन इज बॉटम अप। क्लियर? फर्स्ट वन इज टॉप डाउन। टॉप डाउन की अगर हम बात करें तो टॉप डाउन में क्या है? जब एक पर्सन हायर पोजीशन पे है, वो अपने उन पर, वो उन पर्सन से बात कर रहे हैं जिसकी पोजीशन उसके अकॉर्डिंग लो है। जैसे अगर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हमसे बात करे तो वो क्या होगी? टॉप डाउन होगी।
हॉरिजेंटल क्या होता है, जब दो कोलीग्स जैसे हम भी टीचर हैं और हम जिससे बात कर रहे हैं वो भी टीचर है, बिल्कुल सेम पोजिशन है, क्लियर? तो ये कौन सा वे रहने वाला है हमारा, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। और लास्ट वन इज बॉटम अप। बॉटम अप मतलब बॉटम से अप तक जाना, जब हम हमारे प्रिंसिपल से, हमारे एमडी से, मतलब हमारे जो हायर पोजिशन पे बैठे होते हैं, जो हमारे हेड होते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो क्या होती है, बॉटम अप कम्युनिकेशन होती है। क्लियर? इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। क्लियर? और जो नोट्स हैं इन सब चीजों के, कम्युनिकेशन स्किल्स के जो नोट्स हैं, वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, और उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? तो आगे हमने पढ़ा था मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो मास कम्युनिकेशन में हमने क्या देखा था, जब एक पर्सन एक ही टाइम पे लाखों लोगों से बात करता है तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है, मास कम्युनिकेशन होती है। जब एक पर्सन एक टाइम पे बहुत सारे लोगों से, लाखों लोगों से बात करता है तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है, मास कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन में हमने क्या देखा था, प्रिंट मीडिया, इसकी टू टाइप्स होती है, प्रिंट मीडिया, सेकेंड इज मल्टी मीडिया। अब प्रिंट मीडिया तो नेम से ही क्लियर है, प्रिंट मीडिया का मतलब क्या है, वो जो रिटन में होता है, जैसे न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, ये एक टाइम पे इंफॉर्मेशन लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं। मल्टी मीडिया टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये सभी भी एक टाइम पे इंफॉर्मेशन लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं, बट ये रिटन में नहीं होती, तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी मीडिया। और जो रिटन में होती है वो कौन सा मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया। ये कुछ टाइप्स की थी हमने, उसके बाद बेरियर्स किए थे, जो कम्युनिकेशन का जो कारण बनते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती। तो बेरियर्स की अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट बेरियर कौन सा था, फिजिकल। फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल जो है, मतलब जब कोई पर्सन अच्छे से बोल नहीं पाता, या फिर सुनने वाले को दिक्कत होती है, तुतलाता है, हकलाता है, तो वो कौन सा होता है, फिजिकल बेरियर। सेकेंड साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है, जब किसी पर्सन के माइंड में ही कुछ ऐसी बातें बैठी होती है जिसके कारण वो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, जैसे वो काफी शाय नेचर का हो गया। क्लियर? तो और भी बहुत सारे बैरियर्स हमने कंप्लीट किए थे। इसके बाद हमने पढ़ा था लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर जब दो पर्सन की लैंग्वेजेस डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन पढ़ा था हमने, पढ़ा था लैक ऑफ अटेंशन, जब अच्छे से अटेंशन नहीं होती किसी चीज पे, हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो हम अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। मतलब जो बैरियर्स हैं, हमने बहुत सारे बैरियर्स कवर कर लिए थे, और उसको अगर आप दोबारा से अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि पीछे आपको लिंक में मिल जाएगी। आज हम ओनली नेम करेंगे। आफ्टर दैट हमने किया था टाइम प्रेशर, हमने टाइम प्रेशर पढ़ा था, इमोशनल बैरियर पढ़ा था। इमोशनल बैरियर जब कोई पर्सन ज्यादा इमोशनल हो जाता है। क्लियर? यूज ऑफ जार्गन पढ़ा था, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज की जाती है, जार्गन्स का, मुहावरों का यूज किया जाता है, जिसके कारण अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। कल्चरल बैरियर पढ़ा था, जब दो पर्सन के कल्चर जो है वो अलग अलग है और वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्लियर? तो और भी बहुत सारे जो बैरियर्स हैं हमने पढ़े थे। आफ्टर दैट जो हमने क्लियर किया था वो था, बैरियर्स को कंप्लीट करने के बाद हमने क्या किया था, सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन। आफ्टर दैट हमने किया था सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आपने मैंने आपको बताया था कि जो सेवन सीज हैं वो सेवन रूल्स हैं कम्युनिकेशन के। क्लियर? और इन रूल्स को अगर हम यूज करें तो हमारा कम्युनिकेशन काफी बेहतर हो सकता है। तो ये सेवन सीज कौन कौन से हैं, सबसे पहला हमने पढ़ा था कम्प्लीटनेस, इसको भी हम पूरी डिटेल में कम्प्लीट कर चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको हमारे चैनल पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसपे ये पूरा टॉपिक क्लियर किया हुआ है। तो कम्प्लीटनेस की अगर हम बात करें तो हमने कम्प्लीटनेस में पढ़ा था कि हमें जो कम्युनिकेशन है वो कम्प्लीट देनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन हमारा कम्प्लीट होना चाहिए। कॉन्सिडरेशन हमने पढ़ा था, कॉन्सिडरेशन में हमने देखा था कि कॉन्सिडरेशन मतलब हमें सामने वाले के एटीट्यूड को
सामने वाले के जो एजुकेशन है उसको ध्यान में रख के कम्युनिकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लैरिटी, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए, हमारा पिच हमारा टोन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए। पिच क्या होता है, टोन क्या होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आवाज का ऊपर नीचे होना, राइट। आफ्टर दैट हमने किया था कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस का मतलब क्या है, हमें फैक्ट्स और फिगर्स की बात करनी चाहिए, आंकड़ों की बात ज्यादा करनी चाहिए, आंकड़ों में हमारी इंफॉर्मेशन अगर ज्यादा दी जाए तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो सकती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कर्टियस, जिसका मतलब है हमें जो सामने वाला पर्सन है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके जो इमोशंस हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर कम्युनिकेशन ध्यान में रख के करना चाहिए। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में हमने पढ़ा था कि हमें कोई भी चीज को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्लियर। जो हमारा टाइम है वो सेव करना चाहिए, हमें हमारी एनर्जी को सेव करना चाहिए, बार बार रेपिटेशन नहीं करना चाहिए, और जो शॉर्ट में जितना हम छोटे में बता सके कि हमारी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट करके बता सके उतना ही बेहतर है। नेक्स्ट वन इज कॉन्क्रीटनेस, सॉरी वो हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। नेक्स्ट वन इज करेक्टनेस, करेक्टनेस भी नेम से क्लियर हो रहा है कि जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट होना चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, वो गलत या झूठी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इवेल्युएशन ऑफ कम्युनिकेशन कैसे हुआ था, इवेल्युएशन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि कौन सी ईयर में कौन सी चीज को सर्च किया गया था, कौन सी चीज डिवेलप हुई थी, जैसे जैसे हमारा कम्युनिकेशन ग्रो करता गया सब कुछ हमने पढ़ा था। जैसे कि सबसे पहले क्या आई थी, केव पेंटिंग आई थी, कौन से ईयर में आई थी वो हमने डिस्कस किया था। केव पेंटिंग के बाद मास मैप आए थे, मैप के बाद पेंटिंग शुरू हुई, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग आएगा, केव प्रिंटिंग। नेक्स्ट उसके बाद अल्फाबेट्स आए, अल्फाबेट डिवेलप हुए, अल्फाबेट के बाद पेपर, पेपर डिवेलप हुआ, राइटिंग इसके बाद आई, आफ्टर राइटिंग चाइना ने क्या डिवेलप किया था, वुडन ब्लॉक, जिसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि वुडन ब्लॉक क्या होता है, केव प्रिंटिंग क्या होती है, राइट। वुडन ब्लॉक के बाद क्या आया था, स्मोक सिग्नल्स आए थे, कौन से ईयर में आए थे वो भी हम जो बात अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर दैट टेलीग्राफी, टेलीग्राफी को डिवेलप किया गया था, टेलीग्राफी के बाद अगर हम बात करें जो डिवेलपमेंट हुई थी वो किसकी थी, प्रोफेशनल टेलीग्राफी की, फुल प्रोफेशनल कह सकते हैं इसको टेलीग्राफी। आफ्टर दैट हमने देखा कि टेलीफोन्स आए, टेलीफोन के बाद फोनोग्राफ आए, फोनोग्राफ के बाद क्या डिवेलप हुआ, टेलीफोन डायरेक्ट, मतलब जो पहले को लैंडलाइन जिसको कहा जाता है, क्लियर, टेलीफोन डायरेक्ट आए, रेडियो सिग्नल्स को डिवेलप किया गया, रेडियो सिग्नल्स के बाद टीवी, सेलफोन, फोटोस्टेट के बाद हम कह सकते हैं सैटेलाइट, सैटेलाइट के बाद डिवेलप हुआ ईमेल, ईमेल के बाद हमने पढ़ा था कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं वो डिवेलप की गई, उसके बाद हमने पढ़ा था जो इंटरनेट है वो आया, इंटरनेट के बाद पीसी, पीसी के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसे डिवेलप किया गया, उसके बाद WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। आफ्टर दैट अगर हम बात करें GSM मतलब जो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन था उसे डिवेलप किया गया, कौन से ईयर में किया गया वो सब हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद जो इंटरनेट है, रेडियो, इंटरनेट रेडियो के लिए वो हुआ डिवेलप, आफ्टर दैट डिजिटल कैमरास आए, डिजिटल कैमरा के बाद जो हमारा वीडियो कॉलिंग है वो स्टार्ट हुआ, फेसबुक स्टार्ट हुआ,
फेसबुक के बाद जो यूट्यूब है वो स्टार्ट हुआ, क्लियर। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिस की चीज, वो है ये सभी बातें जो हमने कम्युनिकेशन स्किल्स में पढ़ी थी। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाले हैं। ये जो आज हमने थोड़ा जल्दी जल्दी में किया वो इसलिए क्योंकि आपका ओनली रिविजन था। ये सब चीजें हम पूरी डिटेल में अच्छे से क्लियर एग्जाम्पल्स के साथ विद ईयर, कौन कौन सी ईयर में कौन कौन सी चीजें डिवेलप हुई, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखा तो आपको अगेन इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जो नोट्स है उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, तो उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना, तो कल मिलते हैं एमसीक्यूज के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, कि हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। और एक दो दिन में जो आपका पंजाबी है उसका सिलेबस भी स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश करूंगी कि कल आपका जो पंजाबी का सिलेबस है वो डिस्कस किया जाए। आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट न्यू सेशन है पंजाबी के लिए वो भी स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।